हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट्थ की चैप्टर फोर्थ के बाद एक पोयम है द लास्ट बागिन पढ़ेंगे। पोयम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पोयम का कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो हम पढ़ लेते हैं। बागिन इज एन अरेंजमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, वेटिंग टू बी हायर्ड। ही स्ट्राइक्स अ बागिन बट थिंक्स इट वर्थलेस। He tries twice again and doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why it is the best? तो यहाँ पर इस जो पोयम में है, हम बार्गेन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट बार्गेन क्या होती है, तो फर्स्ट लाइन में ही हमें बता रखा है। तो बार्गेन क्या होती है, बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है, डील होती है, इन विच बोथ पार्टीज। बोथ पार्टीज यानी कि अब एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होगा, है ना। तो दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, यानी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यानी अगर आप एक जना किसी के लिए कुछ काम करेगा तो दूसरा भी उसके लिए वो काम करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सौदा होता है या समझौता होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, बागिन बोलते हैं। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, उसमें से एक जना वर्क ढूंढ रहा होगा। एंड वेटिंग फॉर टू बी हायर्ड, और वेट कर रहा होगा टू बी हायर्ड, है ना, कि उन्हें क्या कर दिया जाए, एम्प्लॉय कर दिया जाए। ही स्ट्राइक्स अ बार्गिन बट थिंक इट वर्थलेस। उसे एक बार्गिन मिलती भी है ना, स्ट्राइक्स यानी उसे एक बार्गिन मिलती भी है, लेकिन फिर उसे वो बार्गिन उसके काम की नहीं लगती, यानी उसे बेकार लगती है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करता उसको, ना रिफ्यूज़ कर देता है उसको। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन एंड डजंट लाइक आइदर। फिर वो वापस बार्गिन करता है, वापस कोशिश करता है ना, लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट टाइम उसको जो वापस बार्गिन मिलती है, वो भी उसे पसंद नहीं आती है, तो वो भी नहीं लेता वो। फाइनली इन द लास्ट बार्गिन, और जब लास्ट बार्गिन होती है, When he is hired for nothing whatever, यानी लास्ट में जब उसे कुछ काम करने के लिए हायर नहीं किया जाता, यानी कुछ देकर हायर नहीं किया जाता, he is happy as never before, यानी वो बहुत खुश होता है। लास्ट बार्गिन में वो बहुत खुश होता है, जैसा कि वो कभी पहले इतना खुश नहीं हुआ था। What is the bargain? वो bargain क्या थी, last bargain क्या थी, and why is the best? और वो best क्यों है, है ना। तो क्या होता है, first में जब bargain करता है तो वो उसे refuse कर देता है, है ना, उसे वो वर्थलेस लगती है, यानी उसके कोई काम की नहीं लगती है, बेकार लगती है। दो बार और वो ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको भी वो क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। तो जो लास्ट बार्गिन जो होती है, उसमें वो बहुत खुश होता है और इसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बेस्ट बार्गिन होती है उसकी। तो वो बार्गिन क्या होती है, ये हम पोएम में देखेंगे कि फर्स्ट बार्गिन क्या थी, सेकेंड क्या थी, और थर्ड जो फाइनल बार्गिन हुई वो क्या हुई, जो उसे बहुत ही हैप्पी कर देती है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये पिक्चर भी दिख रही होगी। तो फर्स्ट स्टेंजा है, कम एंड हायर मी आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाव्ड रोड सॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन द चैरियट ही होल्ड माय हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माय पावर बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट And he went away in his chariot. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, क्या बोल रहा है कि come and hire me, I cried while in the morning, यानी कि सुबह सुबह while in the morning चिल्ला रहा था। cried यानी यहाँ रोना नहीं है, चिल्ला रहा था, जोर जोर से shout कर रहा था कि come and hire me। आपने देखा होगा आपके आसपास में भी जो लोग होते हैं, वो सुबह सुबह से इकट्ठा हो जाते हैं और काम मांगने लग जाते हैं कि आप मुझे हायर कीजिए, मैं आपका ये काम करूँगा, मुझे हायर कीजिए। तो इस तरीके से क्या होती है, सौदेबाजी होती है कि आप मुझे हायर कीजिए, मैं इतने पैसों में आपके लिए काम करूँगा। तो यही स्टोरी है बार्गिन की पूरी। तो वो वहाँ सुबह सुबह खड़ा है और बोल रहा है कि come and hire me, है ना, इस तरीके से जोर जोर से चिल्ला रहा है। I was walking on the stone paved road. Stone paved यानी कि पूरी पथरीली रोड है ना, पथरीली रोड है, और उस पथरीली रोड पर चलता चलता ये बोल रहा है कि come and hire me. Sword in hand, the king came in his chariot. Chariot यानी होता है उसका रथ या गाड़ी, किंग की जो रथ और गाड़ी होती है उसको चैरियट बोलते हैं। तो शॉर्ट आप सब जानते हैं, तलवार, तलवार यानी कि सामने से क्या दिखाई दिया, सामने से राजा की गाड़ी आते हुए दिखाई दी, और राजा के हाथ में क्या है, एक तलवार है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ना, और बोला आई विल हायर यू विथ माई पावर,
तो राजा ने क्या बोला कि मैं तुम्हें हायर कर दूंगा मेरी पावर से, मेरी शक्ति से, मतलब राजा है तो उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति होगी, तो यानी कि मैं तुम्हें अपने धन से पावर से हायर कर दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी पावर जो थी काउंटेड फॉर नॉट, है ना, नॉट का मतलब होता है कि वर्थलेस थी, वो भी उसके लिए ना बेकार थी, उसकी पावर उसके लिए बिल्कुल भी वर्थलेस थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो क्या चला गया वापस उस चैरियट में बैठ के, उसकी गाड़ी में बैठ के चला गया राजा, है ना। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है कि वो सुबह सुबह खड़ा है बागिन के लिए और बोल रहा है कम एंड हायर मी, और सबसे पहले कौन आता है, किंग आता है अपनी चैरियट में और बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पावर के साथ। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो लड़का होता है, उसे वो जो डील है पसंद नहीं आती, है ना, नोट यानी उसे बिल्कुल ही वो पसंद नहीं आती, बेकार लगती है, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है उसको कि नहीं मैं ये वाली डील मंजूर नहीं है मुझे, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ इसे। तो फिर राजा क्या करता है, वहाँ से चला जाता है अपनी गाड़ी में बैठ कर। सेकेंड स्टैंजा है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ सेट डोर्स, आई वंडर्ड अलोंग द crooked lane, an old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coin one by one, but I turned away. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है, अब वहाँ से तो फर्स्ट वाली जो बागिन जो हुई थी उसको तो उसने क्या कर लिया, किंग वाली को तो रिफ्यूज़ कर लिया, अब वो आगे जा रहा है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, अब ऐसे दिन चढ़ गया है, सुबह से उसने स्टार्ट किया था, अब दिन हो गया है ना, मिड डे में क्या होता है बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो सब लोग क्या करते हैं अपने घर के दरवाज़े बंद करते हैं ना, शट डोर्स यानी इतनी हीट में सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं, यानी कि पूरी जो स्ट्रीट है वो खाली पड़ी है, और वो वहाँ पर क्या कर रहा है, चल रहा है। ही वंडर्ड अलोंग विथ क्रूक्ड लेन, यानी वंडर्ड अलोन यानी वो अकेला बेचारा उस रोड पे चल रहा है, क्रूक्ड लेन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो कटी फटी सी रोड है ना, पथरीली जो रोड है उस लेन पे चल रहा है वो अकेला। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हीज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक ओल्ड मैन क्या होता है उस गली में से उसको आता हुआ दिखाई देता है, उसके हाथ में क्या होता है, एक बैग ऑफ गोल्ड, उसके हाथ में एक गोल्ड की बैग होती है, वो उसे लेकर आ रहा होता है। ही पंडर्ड एंड सेट, वो क्या करता है, सोचता है, पंडर्ड यानी होता है डीपली, थॉट डीपली, है ना, उसने बहुत सोचा और फिर बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी, यानी कि मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर कर दूंगा। ही वेटेड हिज कॉइन वन बाई वन, उसने अपनी जो कॉइन, वेटेड यानी यहाँ पर वजन करना नहीं, उसने वन बाई वन अपनी कॉइन को काउंट किया, निकाला, है ना, बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन वो वहाँ से चला गया, है ना, यानी उसे ये डील भी पसंद नहीं आई। ओल्ड मैन ने क्या क्या पैसे निकाले जब तक, तो वो वहाँ से चला गया। तो इस सेकेंड स्टैंजा में क्या होता है कि फिर वो फर्स्ट में जो बागिन होती है उसको रिफ्यूज़ करके वो आगे जाता है, तो पूरा दिन हो जाता है, और वो चलते चलते उसको एक ओल्ड मैन मिलता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मनी से हायर करूँगा, और वो क्या करता है, कॉइन गिनने लगता है, जब तक वो वहाँ से उसको भी रिफ्यूज़ करके चल जाता है कि नहीं ये भी मेरे लिए क्या है, वर्थलेस है, मैं मनी के लिए हायर होना नहीं चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा में जब उसको पावर के लिए हायर करना चाहा तो भी उसने रिफ्यूज़ कर लिया, है ना, जो किंग है वो अपने पावर से उसे क्या करना चाह रहा था, हायर करना चाह रहा था, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर लिया। सेकेंड स्टैंजा में जो ओल्ड मैन है उसे अपनी मनी से हायर करना चाह रहा था तो भी उसने उसे रिफ्यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर दो बागिन तो हो गई है, फर्स्ट बागिन भी हो गई है किंग के द्वारा, और सेकंड हो गई ओल्ड मैन के द्वारा जो गोल्ड कॉइन देके उसे कर रहा था, लेकिन वो भी उसे वर्थलेस लगी, है ना, उसे बेकार लगी, और उसने इसको भी रिफ्यूज़ कर दिया, इस बागिन को भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो अभी तक उसने दो बागिन को रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये हमारे दो स्टैंजा थे, नेक्स्ट स्टैंजा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।